उनको हमसे डरना चाहिए, हम 80 गो विधायक के साथ हैं, 35 गो 40 गो हैं, तो आप उनसे हमको डरने का जरूरत नहीं है। बीजेपी को नीतीश से डरने की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार को बीजेपी से डरना चाहिए। डरना की सरकार से क्या मतलब है, सरकार तो आपकी भी है, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारी भी सरकार है, तो हम तो बोल ही रहे हैं कि हमारे संविधान में जो नियम कानून बनाया गया है छुट्टी के दिनों का, वो रविवार का दिन है। अगर आप कहीं कोई शुक्रवार के करते हैं, उसका कोई पक्ष लेते हैं, तो ये सब कहां सवाल। आप कह रहे हैं राजनीतिक लाभ के लिए आपकी सहयोगी जेडीयू सब कर रही है। हाँ कर रही है, ऐसा कर रही है। आप भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? यस मैं नेता हूँ। बीजेपी के नेता होकर आप अपनी सहयोगी जेडीयू पर सवाल उठा, जो नियम कानून कहता है उसके तहत आना ही पड़ेगा। सरिया और मुगलिया फरमान से नहीं चलेगा। कुछ लोग जो हैं सरकार में रह के और ब्यूरोक्रेसी में होके, मतलब मुगलिया कानून जो है और सरिया है इसको लागू करना चाहते हैं, ये बिहार का दुर्भाग्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में पहली बार बीजेपी की सभी मोर्चों की कार्य समिति की बैठक बिहार में होने जा रही है, और देखिए तैयारी इस वक्त भी चल रही है, द्वार बनाए जा रहे हैं। हम बीरचंद पटेल पथ पर मौजूद हैं, उस सड़क पर जहां बीजेपी का दफ्तर है। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं, बीजेपी की जो बैठक होने जा रही है 30 और 31 जुलाई को, उस पर बातचीत होगी, क्योंकि तमाम तरह की तैयारियां और पूरे पटना को भाजपा मय कर दिया गया है, तो उस पर बात होगी और दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी बात होगी। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता यहां मौजूद हैं। सर, पूरा पटना भाजपा मय हो गया है, पोस्टरों बैनरों से पटना को पाट दिया गया, और अभी हम देख रहे हैं तैयारी लगातार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और संगठन ही इसकी मूल शक्ति है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन में 7 मोर्चे हैं, कई प्रकोष्ठ हैं, कई प्रकल्प और कई विभाग हैं। ये पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के 7 मोर्चों को राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, सौभाग्य है बिहार वासियों का कि पटना राजधानी, बिहार की राजधानी पटना ऐतिहासिक धरती पाटलिपुत्र की भूमि पर होने जा रही है। अभी अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं बारिश हो रही है, बारिश में हम तो ठीक है, पत्रकार है, डटे हुए हैं, आप लोग भी डटे हुए हैं और तैयारी हो रही है और बैठे हुए हैं। आप सुनते होंगे जानते होंगे पत्रकार है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता बड़े असीम राष्ट्रभक्त होता है, तो पत्रकार की तरफ भी है, सैनिक की तरफ भी है, सिपाही की तरफ भी है, योद्धा की तरफ भी है, विद्वान की तरफ भी है, बुद्धिजीवी की तरफ है, किसान है, व्यवसायी है, सब है। अब सर आप लोगों से एक दूसरे सवाल पर भी बातचीत होगी, क्योंकि वो मुद्दा भी बड़ा अहम है और जिसको लेकर बिहार की सियासत गर्म है। सीमांचल के स्कूल में या स्कूलों में जो हमारे पास जानकारी है, शुक्रवार के दिन छुट्टी होती है, रविवार के दिन छुट्टी नहीं होती, और इसको लेकर अब एक बड़ा बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी को आपत्ति है, जो हमारी तरफ से जानकारी है। बीजेपी के जो विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान सामने आया है और शायद कुछ और बयान सामने आए हों। जेडीयू ये कह रही है ये परंपरा पहले से चली आ रही है। परंपराएं अलग होती है, लेकिन देश चलता है कानून से। भारत के संविधान में जो कानून कहता हो उस हिसाब से तो रविवार को ही पूरे देश के सारे स्कूल बंद होते हैं, कॉलेज बंद होते हैं, विश्वविद्यालय बंद है, सारे शिक्षण संस्थान बंद होते हैं, वो सरकारी का हो या प्राइवेट। और एक ही नया चीज की शुक्रवार को बंद होना, वो भी केवल किशनगंज अररिया पूर्णिया में, एक दुर्भाग्य की बात है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि जो भारतीय संविधान जो कहता है, कानून जो कहता है, उसके हिसाब से रविवार को ही बंद हो। उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग हाय तौबा मचा रहे हैं उनको जानकारी जुटा लेनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू के बड़े नेता हैं, उनकी सरकार इसको मानने के लिए अगर तैयार है कि हाँ शुक्रवार के ही दिन छुट्टी होगी, तो वह क्या पक्ष में बोलेंगे बीजेपी के? उनका तो धर्म बनता है कि जदयू का जो उनकी सरकार से क्या मतलब है, सरकार तो आपकी भी है, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारी भी सरकार है, तो हम तो बोल ही रहे हैं कि हमारे संविधान में जो नियम कानून बनाया गया है छुट्टी के दिनों का, वह रविवार का दिन है,
अगर आप कहीं कोई शुक्रवार के करते हैं उसका कोई पक्ष लेते हैं तो इसके पीछे वो तर्क अपना देंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के, मैंने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब कई नेताओं से एक साथ बातचीत होगी ये सवाल उनसे जरूर पूछेंगे, डॉक्टर संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा के निशाने पर क्यों है या उपेंद्र कुशवाहा के दुश्मन नंबर वन डॉक्टर संजय जायसवाल क्यों है आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष? हमारे पार्टी अध्यक्ष अपने पार्टी के मार्गदर्शन में और उसके अनुसार जनता के हित में क्या बात होना चाहिए वे बोलते हैं। अगर इस बात से अगर किसी को कष्ट होता है तो उसमें हमारा क्या दोष है, हमारे संजय जायसवाल जी का क्या दोष है? उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि जानकारी जुटा लेनी चाहिए स्कूलों का जो मामला है, स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी का जो मामला है। देखिए, शुक्रवार की छुट्टी का जो मामला है इसका मूल कारण कोई समझ ही नहीं पा रहा है। सबसे बड़ा बात है, आपको थोड़ा हम पीछे इतिहास में ले जाते हैं, श्री बाबू से लेके लालू यादव तक किसी मुख्यमंत्री ने मुसलमान को होम सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी नहीं बनाया जी। और ये नीतीश कुमार ने 8 बरस रखा होम सेक्रेटरी अमीर सुभानी को और अभी 2 साल से चीफ सेक्रेटरी हैं, जिसका कारण है पूरा किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में मुसलमान रोहिंग्या भर दिया इसने। और उसका वो कारण है कि शुक्रवार को छुट्टी हो रहा है, इनका हाथ कटा हुआ है, इनके पास अपना वोट नहीं है तो सोचे रोहिंग्या ही वोट। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? नेता नहीं, साधारण कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और अपने ही पार्टी के, अपने ही गठबंधन के सबसे बड़े नेता पर सवाल उठा रहे हैं? सवाल नहीं उठा रहे हैं, ये दुर्भाग्य है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा बात आ रहा है। अभी आप पीछे यहीं चले जाइए, आरजेडी कार्यालय के पीछे 500 घर रोहिंग्या का है, कोई बोलने वाला नहीं है। जो कह रहे हैं सहमत हैं आप इनसे? सहमति और असहमति की बात इसमें नहीं है, बात है नियम और कानून की बात है। अगर कुछ परंपराएं गलत चल चुकी हैं तो उस पर रोक लगना चाहिए, सबका कहने का तात्पर्य यही है, इसमें बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। गलत परंपरा है तो उसका, उस पर रोक लगना निश्चित रूप से चाहिए, सरकार को लगाना चाहिए। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के कोर लीडर हमारे साथ हैं, हम इनसे सवाल करेंगे। रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी है, आप लोगों की तरफ से सवाल उठाया गया और देखिए अंधेरा हो गया है, अंधेरे में भी बातचीत जारी रहेगी, कोई समस्या नहीं है। तो सवाल उठाया गया आप लोगों की तरफ से कि ये ठीक नहीं है, ये प्रोपगंडा है जी। ये प्रोपगंडा ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ था, आज तक अभी ये क्यों, पहले भी तो होना चाहिए था, पहले तो ये सब कहां सवाल। आप कह रहे हैं राजनीतिक लाभ के लिए आपकी सहयोगी जेडीयू सब कर रही है? हाँ कर रही है, ऐसा कर रही है। आप भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? यस, मैं नेता हूँ। बीजेपी के नेता होकर आप अपनी सहयोगी जेडीयू पर सवाल उठा? जो नियम कानून कहता है उसके तहत आना ही पड़ेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे जेडीयू का। हमारा जो कानून कहता है वो ये नहीं कहता है कि जो मेरा रविवार बंद होता है रविवार बंद होगा। जेडीयू के एक और नेता हैं गुलाम रसूल बलियावी, उनका बयान आया है कि भाई शुक्रवार को स्कूल अगर बंद हो रहे हैं तो रविवार को स्कूल खोलकर तो इसकी खाना पूर्ति की ही जा रही है, इसकी भरपाई की जा रही है भाई। उन्हीं लोग बोलते हैं और तो कोई नहीं बोल रहा, वही लोग तो चट्टा वट्टा है, वही लोग बोलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को, उपेंद्र कुशवाहा को भी जानकारी होनी चाहिए इस कानून के बारे में। चलिए, लगातार इसको लेकर सियासत का कुछ और लोग आ गए हैं, बताइए रविवार की जगह शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी है सीमांचल, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत हो रही थी, आप बीजेपी के नेता हैं? जी, बीजेपी के नेता हूं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये देश सरिया और मुगलिया फरमान से नहीं चलेगा। कुछ लोग जो हैं सरकार में रह के और ब्यूरोक्रेसी में होके मतलब मुगलिया कानून जो है और सरिया है इसको लागू करना चाहते हैं, ये बिहार का दुर्भाग्य है। ये देश देश के संविधान से चलेगा, ना कि सरिया कानून से चलेगा। तो देश देश के संविधान से चलेगा और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं कई नेताओं से बातचीत, बीजेपी में बड़ी नाराजगी है और छिपा कर नहीं, सधे अंदाज में नहीं बल्कि डंके की चोट पर निशाना साधा है भाजपा के। मंगल को बंद हो जी, अगर हम कहें कि मंगल को बंद करना चाहिए क्योंकि बजरंगबली का दिन है तो क्या बंद करेंगे वो? आपको डर नहीं लगता नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे?
डर किस बात का? आपके सहयोगी है ना? सहयोगी तो है, तुम कानून के तहत आएंगे, कानून के तहत हम लोग है। क्या कह रहे हैं सर? उनको हमसे डरना चाहिए, हम 80 गो विधायक के साथ हैं, 35 गो 40 गो हैं, तो आप उनसे हमको डरने का जरूरत नहीं है। बीजेपी को नीतीश से डरने की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार को बीजेपी से डरना चाहिए। डरना किसी को एक दूसरे से नहीं चाहिए, सहयोग करना चाहिए और जो नियम के अनुसार चलना चाहिए। अगर हम नियम कह रहे हैं डरना चाहिए 80 विधायक, हाँ तो आप बोल रहे हैं कि डर जाएंगे, इसलिए उस पर हम कहे कि डरना किसी को नहीं चाहिए, 80 को हमारे पास विधायक है, उससे कोई लेना देना इसमें डरने की बात नहीं है। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी पार्टी है, हमारे नेता हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कहीं कोई बात आई है तो नीतीश कुमार भी उसको देखेंगे, और हम अगर बैठ के यहाँ कुछ बोल दें तो हमारा पार्टी नहीं ना बोल रहा है, कार्यकर्ता बोल रहे हैं, जो हम लोग सुने हैं समझे उसको बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी इसको निश्चित रूप से देखेंगे कि इस पर कोई विवाद नहीं हो। तो चलिए कार्यकर्ताओं की राय है, पार्टी के जो नेता हैं उनकी राय है, और जाहिर तौर पर नाराजगी तो है, गुस्सा तो है, और जैसा कि हमने कहा कि अंदाज सधा हुआ नहीं है, अब डंके की चोट पर नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है। इस बात को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि क्यों रविवार की जगह शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी होगी। हालांकि जेडीयू की तरफ से कई बयान इसको लेकर आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा का बयान हो या जेडीयू के जो दूसरे बड़े नेता हैं गुलाम रसूल बलियावी का बयान हो। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।